किसी वीडियो को वही देखना जो सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाता है। हर क्लास में एक दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़कर टॉप कर देते हैं और उन्हें पढ़ा हुआ हमेशा याद भी रहता है, परंतु कुछ विद्यार्थी शाम को पढ़ते हैं सुबह को भूल जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। वरना तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, इसकी जगह पिक्चर, नाटक या कुछ भी खामे खा के वीडियो चला रहे होते। तो इस वीडियो के तहत मैं आपको हमेशा याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टिप्स बताऊंगा, जिनमें से जो लास्ट वाली यानी 5वीं जो वीडियो की टॉपिक पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखे बिना वीडियो को ना छोड़ें। अगर जाना चाहते हो तो वीडियो को अभी छोड़ दें और चले जाएं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है लॉजिकल स्टडी। आप में से अधिकतर विद्यार्थी अपनी कॉपी या नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब से क्वेश्चन आंसर याद करना कर दो बिल्कुल बंद, बल्कि उसकी जगह किसी चैप्टर या टॉपिक को मन से पढ़ना शुरू कर दो। ये आपको शुरू में थोड़ा कठिन जरूर लगेगा। जिस भी क्वेश्चन आंसर को तुम्हें याद करना है उसके चैप्टर को मन से पढ़ो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो जिस रास्ते पर आप कभी जाते नहीं हो वो रास्ता तुमको बहुत लंबा और कठिन सा लगता, और जिस रास्ते पर तुम जाते जाते रहते हो वो रास्ता तुम्हें बहुत छोटा और आसान भी लगता है। इसी तरह ये आपको करना थोड़ा कठिन भी लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान और सरल तरीका है। इसके तहत कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप परीक्षा में नहीं छोड़ पाओगे। दूसरा है रीड एंड टीच, पढ़ो और पढ़ाओ। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो केवल किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, ना कि उसे लाइफ टाइम याद करने के लिए। यदि आप सब कुछ हमेशा याद रखना चाहते हो तो रीड एंड टीच आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना आपको ये कठिन लग रहा है वो उतना कठिन है नहीं, ये बहुत ही आसान तरीका है। यदि तुमने कोई टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ा है तो तुम उसे किसी को पढ़ाओ। अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम किसे और कैसे पढ़ाएं। आपको किसी और को नहीं, खुद को ही पढ़ाना है। जब आप किसी टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हो तभी अपने सभी नोट्स बुक्स को बंद कर दो। उसके तुरंत बाद जो आपने पढ़ाया समझा है उससे हल्की आवाज़ में बोल बोलकर खुद को ही पढ़ाओ कि मैंने ये ऐसे 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 कुछ ऐसे पढ़ा था। ये कार्य आप बिना बोले या मन में भी कर सकते हो, या आप किसी खाली पेज पर लिखकर कर सकते हो। यदि आपने 80% इसका सही लिखा या बताया बोला जो भी आपने किया, तो समझ जाना वो चैप्टर आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। तीसरा है गोल ऑन स्लिप। ये पॉइंट नंबर भले ही तीसरा है लेकिन आपको सबसे पहले इसे ही अपनाना है। इसका मतलब होता है पर्ची पर लक्ष्य। यदि आपने अपनी लाइफ में गोल ऑन स्लिप अपना लिया यानी पर्ची पर अपना लक्ष्य लिखना शुरू कर दिया, तो कोई भी क्वेश्चन या आपका सपना कभी आपसे दूर नहीं हो सकता और तुम कभी हार नहीं सकते। ये काम तुम्हें 3:3 में करना है, अर्थात 3 सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स। सबसे पहले तुम छोटी सी एक पर्ची ले लो, उस पर्ची पर सब्जेक्ट के नाम और उन सब्जेक्ट के टॉपिक को लिख लो जो तुम्हें आज पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में आप किसी छोटे टॉपिक या छोटे चैप्टर से शुरुआत कर सकते हो। जब आप ये काम कर लो तो बस आपका एक ही टारगेट रहना चाहिए, जो आपने स्लिप पर लिखा है वो आपको आज पूरा करना है हर हाल में। वो टॉपिक सभी क्लियर होने चाहिए, चाहे आपको कितना भी समय लग जाए, कितना भी पढ़ना क्यों ना पड़ जाए। चौथा जो पॉइंट है वो है शेयरिंग टाइम। इसका मतलब होता है समय बांटना, अर्थात आपको अपने दिन के सभी घंटों को बांट देना है। तुम दिन में कभी भी खेलो, पिक्चर, नाटक, कुछ भी देखो, इससे पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु पढ़ने का एक निश्चित समय जरूर बना लो कि मुझे इतने बजे से जरूर पढ़ना है, और एक लिमिटेड टाइम भी बनाओ कि मुझे इतने बजे से 3 घंटे, 4 घंटे, इससे ज़्यादा, इतने बजे तक या इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और ज़रूर ही पढ़ना है। अब है पॉइंट नंबर 5। ये लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको दिमाग के वास्तव को बढ़ाएगा, यानी आपके दिमाग को बहुत तेज कर देगा, जिससे आपकी एक्टिव क्षमता बढ़ जाएगी।
अगर आप उन चार पॉइंटों को नहीं अपना पाते हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपना लेते हो तो बहुत अच्छा है। अब जो पांचवा पॉइंट है वो है बहुत ज़रूरी। यदि आप इसे रोज़ अपनाते हो तो आपकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। वो है रिलैक्स एंड स्ट्रांग माइंड। हमेशा याद रखने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में ये तीन बातें लाना बहुत ज़रूरी है। पहली है योगा। सुबह उठने के 5 या 10 मिनट आपको योगा जरूर करना है, जिससे तुम्हारा माइंड बहुत मजबूत होता है। जो चीज़ मजबूत होती है वो टिकाऊ भी बहुत होती है। दूसरा होता है ध्यान। सोने से 5 मिनट पहले ध्यान की मुद्रा में आकर 5 मिनट ध्यान करो, जिससे तुम्हारा माइंड बहुत एक्टिव, बहुत तेज होता है, जिससे आपका फोकस भी बढ़ता है, फोकस क्षमता आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। तीसरा है और आखिरी, जो कि इस वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है रिलैक्स। पढ़ने बैठने से पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखो। सबसे पहले आपको एक शांत जगह, आप जहाँ तुम स्टडी करते हो वहाँ बैठ जाना है और 5 सेकंड तक सांसों को धीरे 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 खींचना है। उसके बाद 10 सेकंड तक सांसों को रोके रखना है। यदि तुम्हें कोई दिक्कत आ जाए 10 सेकंड तक रुकने में तो आप बीच में उसे रोक सकते हो, छोड़ सकते हो, यानी कि आप वहीं पर अपना इस कार्य को छोड़ सकते हो और सांसों को नॉर्मली ले सकते हो। 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड तक आपको सांसों को धीरे 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 छोड़ना है। यदि शुरू में कोई दिक्कत आती है तो इसको आप धीरे धीरे स्टार्ट करना सीख लो। इससे आपका माइंड, शरीर जो भी है बहुत रिलैक्स मूड में आ जाएगा और आपकी पढ़ने की क्षमता, पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत तेज़ याद करने लगोगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा लगा और आप उसे ज़रूर अपनाओगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक ऐसे विद्यार्थी को शेयर ज़रूर कर देना जिसे इसकी ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो बहुत ज़रूरी करना, भले ही सब्सक्राइब मत करना परंतु वीडियो को लाइक ज़रूर करना।